हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। आज प्रैक्टिस से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि क्वेश्चन लिखूँ। कल से आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ये 5 से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपसे बोला है ए तमिल बोलने वाले को दिखाता है, बी तेलुगु को, सी कन्नड़ और डी हिंदी। आपसे पूछा गया है कौन से ऐसे लोग हैं जो 3 भाषाओं में बोलने वाले व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है 3, यानी कि 3 सर्कल में आना चाहिए। तो पहला तो है एफ, क्योंकि एफ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दूसरा है एच, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है, आप चेक कर लो। एफ और एच के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 सर्कल में आ रहा हो, क्योंकि अलग अलग सर्कल है तो अलग अलग भाषाएं हैं। तो एफ और एच 3 सर्कल में आ रहा है, यानी कि यही 3 ऐसे होंगे जो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एफ और एच। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि देखो, इसके जैसा सेम इधर है, तो इधर जो आएगा वो इसके जैसा होना चाहिए। अब इधर लाइन है ऊपर, तो ऊपर लाइन होनी चाहिए, बोले चारों में। अब चारों के बाद आपने ये देखा कि ये इस कोने पे मिल रहा है, तो नीचे वाला इस कोने पे मिलेगा, तो ऑप्शन 4 कट गया। तीसरी चीज़, यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा है, सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्यों बताया मैंने, रीज़न समझ में आ गया। पहला कि यहाँ लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं आएगी, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। दूसरा, ये बिल्कुल कोने में मिल रहा है, तो इधर वाला भी कोने में मिलेगा, तो ये वाला भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपको, आपसे पूछा गया है कि इस फिगर को जो काटा गया, इसको ऐसे करके मोड़ा गया, मोड़ने के बाद ये 5 बिंदु किए गए, जब ये खोलेंगे तो कैसी फिगर दिखाई देगी। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिए, जब इसको सबसे पहले इधर मोड़ा है, तो पहले आप इधर खोलोगे, इधर खोलोगे तो ये इस तरीके से सर्कल बनेगा हाफ। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि इधर 5 हैं, तो इधर भी कितने जाएंगे, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, और जब ऊपर खोलोगे तो ऊपर ही 5 पता चले जाएंगे। तो 5, 5 सबसे पहले सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन 3 में और किसी में है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपको ये फिगर दिखाई गई है, उसने बोला PQ जो एक लाइन है, ये दर्पण है, तो जब इसको आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो कैसे फिगर दिखाई देगी ये बताना है। तो देखो, बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप सेकंड में आंसर बता दोगे। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं कि ये S यहाँ पे है, तो ये ऊपर तक हो जाएगा, और ये L कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो L जब ऊपर जाएगा तो L कैसा बन जाएगा, बोले सर L ऐसा बन जाएगा, ये फिगर बन के आएगी। अब ऐसा L अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, अगर ध्यान से देखोगे एक ही ऑप्शन में दिखेगा। तो आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन D में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन D, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बस मिरर इमेज निकालनी थी, आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो मिरर इमेज आपने निकाल दी, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन D, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का, आपको दिख रहा है ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट को ये लिखा गया, कैसे चेक करेंगे। तो मैंने बताया था कि इस ऑप्शन में जितने अल्फाबेट होते हैं उतने दिखे होते हैं, यानी कि ये होगा D के लिए, ये R के लिए, I के लिए, F के लिए, T के लिए। आखिरी वाले भी चेक करते हैं हमेशा। तो T से मैंने चेक किया, 6, 8, क्या 6, 8 पर T है, बोले 6 ये रहा और 8 ये रहा, T है, बोले हाँ 6, 8 पर T है। आगे चेक किया 4, 0, क्या 4, 0 पर T है, तो 4 ये रहा और 0 ये रहा, 4, 0 पर T नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखो इन तीनों में 4, 0 है, तीनों नीचे के कट गए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 कट। क्या बचा, ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देखो आप, पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन सीसीएल में आता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, जिसके 5 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं, आई होप आपकी समझ में आया होगा। कल से मैं आपको डेली की वीडियो जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें 5 क्वेश्चन देखिए कोशिश करूँगा 5 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन कराओ, हम लोग रोज़ देखते हैं तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।